पानी का बॉटल ला दो। That boy, that Bihari not brought me up to the station and this girl got from his phone. Why did you lift him? Why did you leave him at that period? He was brought to the police station as a suspect. So why did you leave him after that? When his phone call was placed, why did you leave his phone call was not placed? No, the girl. आप उसके फोन से फोन कर रहे थे ना? हाँ। कब जब ये स्टार्टिंग है ना? कब स्टार्टिंग में कौन सा दिन? ये किडनैप होने के फिफ्थ डे। तो उसका नंबर आपको दे रहे हैं, आप लोग दिए थे नंबर, मैंने पुलिस वालों को तो नंबर है, एफ आई आर में भी लिखे हो लोग। हाँ वो नंबर पे इंक्वायरी करे। हाँ साथ देवना बोल रहे हैं महबूबनगर में रहने वाली क्या है? अच्छा उनको लेके आए। हाँ मेरे पास नहीं है वो। हाँ क्या बोला मार के? तो मार डालते भाई को, मार देते माँ को, मार देते। ठीक है अब ये कंप्लेंट दिया। अच्छा आपको उसकी गाड़ी भी रिकवर नहीं करी अभी तक? बच्ची आके इतने दिन हो गया, उसके कोई लोगों को बुला के आपको इंक्वायरी नहीं कर रही? तीन फ्लैट ओनर के तीनों जगह रखा ले गया, क्यों एक जगह तो मारा तो अड़ोस पड़ोस वाले कुछ पुलिस वालों को बुलाए। कौन से पुलिस वालों को बुलाए थे? मैं वो मीरपेट पुलिस स्टेशन। हाँ मीरपेट पुलिस वाले भी आए, आने के बाद में इसको लेके गए पुलिस स्टेशन। इन्हें क्या मैनेज करा नहीं मालूम, लाके उसको छोड़ दिए। वो पुलिस वाले भी बच्ची के साथ बदतमीजी करके गए। इसका एक भाई एडवोकेट है, क्या नाम है वो उसका एडवोकेट है? हाँ जयप्रकाश सेठ बोलते, क्रिमिनल लायर है। उन्हें आके उन्हें भी चप्पल से मारा तो बच्ची का पूरा कान फट गया। उसे तीन दिन तक उस कान में से खुल जाते था। आप लोगों के सामने नहीं बोली बच्ची मेरे को अकेले में पूरी तफसील, ये बच्ची मेरे लिए कोई गैर नहीं है, मेरे भाई की बच्ची के वैसी है। हाँ ना, और ये जो बच्ची के वालिद है ना, ही वॉज एडमिटी प्रेसिडेंट ऑफ मोइन बाग। सो आई एम टेकिंग दिस केस वेरी सीरियसली और आप भी सीरियसली लेना केस को, बिकॉज कल के दिन ये नहीं होना कि पुलिस कुछ काम नहीं करी बोल के बदनाम भी नहीं होना। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आई गो टू द हायर अथॉरिटीज। चाहे हमको डर क्या है उसको, ये इन्फ्लुएंशियल आदमी के नहीं कैंटीन चला रहा, कोई ना कोई बचा लेंगे उसको। कृष्णा रेड्डी के बेटे आप बोलो, जोर से बोलो। सच्चा सिंह रासत में लेके रखा था, उसके साथ हर वक्त नालायक ही करता था। बच्ची किसी वजह से अपने आप बचा के घर को वापिस आ गई। हम लोग के पास उसकी मम्मी की बातचीत कर ली, सत्रह महीने पहले सादिया मुबीन नाम की जो लड़की है, उस लड़की को DRR कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसका मालिक दिगल कृष्णा रेड्डी जिसका मालिक है, साबेखा मेयर और तेलुगु देशम का लीडर है, उस कॉलेज में एक कैंटीन, क्योंकि बच्ची कॉलेज में पढ़ा करती थी रोज़ाना कैंटीन को जाया करती थी। एक दिन ये बच्ची की तबीयत कुछ ख़राब हुई कैंटीन को, जैसा ही बच्ची गई तो कुछ जूस पूछी वो बच्ची पीने के लिए। जूस पूछने के बाद में ये लड़की को ऐसा जूस दिया जिसकी वजह से लड़की अपने होश खो गई। उसके बाद में जब लड़की आँख खोल के देखती है तो ये पता चला कि किसी एक अंधेरे कमरे में, फर्स्ट फ्लोर के टाइप में कमरा था फ्लैट में, आइसोलेटेड प्लेस में रखकर इस लड़की को वहाँ पर रखा गया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे शर्म आ रही है कहने के लिए, इस लड़की को इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया, बेल्ट से मारे, चप्पल से मारा, एक जो
DRR कॉलेज में एक कैंटीन चला था जिसका नाम है सत्या प्रकाश। वो सत्या प्रकाश इस लड़की को मुसलसल टॉर्चर करके मारते हुए कई बार रेप किया। एक महीने तक उस फ्लैट में रखने के बाद में इसको बेहोश करके फिर दूसरे फ्लैट में लेकर गया। दूसरे फ्लैट में भी यही हालत रही बच्ची की। चार महीने दूसरे फ्लैट में रखने के बाद में फिर तीसरे फ्लैट में लेकर गया। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को इस लड़की ने उस सत्या प्रकाश के टेलीफोन से अपनी माँ को टेलीफोन की थी। तो इसकी माँ, इस लड़की की माँ, यानी लड़की जब गुमशुदा हुई 3 अप्रैल 2012 के दिन एक लुकआउट नोटिस दी गई बच्ची की। ये लुकआउट नोटिस होने के बावजूद 17 महीने अफसोस का मुकाम है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ चूड़ियाँ पहन लिया था। DCP साउथ जोन चूड़ियाँ पहन लिए, ACP साउथ जोन चूड़ियाँ पहन कर बैठे हुए थे। 17 महीने तक ये बच्ची को रिकवर नहीं कर सकी। 17 महीने के दौरान उस कैंटीन के ओनर सत्या प्रकाश बिहारी को लाकर यहाँ पर 3 दिन रखे, लेकिन तेलुगु देशम के एक बड़े लीडर की दखल अंदाजी की वजह से उस सत्या प्रकाश को छोड़ दिया गया। जुल्म की इंतहा यह हुई कि जब इस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, वॉमिटिंग होने लगे, तो ये मालूम हुआ कि बच्ची गलती से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इसका ले जाकर एक नर्सिंग होम में अबॉर्शन तक करा इसका, यानी इल्लीगल अबॉर्शन एक बहुत बड़ा क्राइम है हिंदुस्तान में, कत्ल के मुताबिक है। मैं चाहता हूँ कि तमाम मीडिया से मेरी ये गुजारिश है, पुलिस के आला अहदेदार चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, अगर इस केस को सीरियस नहीं लिया जाएगा तो शहर में हंगामा हो जाएगा। इस शहर के मामले में जिस तरफ पे एक मुकाम पर रेप के खातिलों को फांसी की सज़ा दी जा रही है, इस लड़की और इस लड़की की माँ, ये दोनों मजलूम का ये मुतालबा है कि ना सिर्फ सत्या प्रकाश बल्कि इसका इसके वालिद जो इसके क्राइम में इसकी मदद करता है हमेशा, इसका एक भाई है जो क्रिमिनल लॉयर है जिसका नाम है जय प्रकाश एडवोकेट, एक क्रिमिनल लॉयर है, और ये तीनों फ्लैट के ओनर और मीरपेट पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल और TRR कॉलेज के जितना भी इंतजामिया है सारों को गिरफ्तार करना चाहिए। डॉक्टर नरसिंह, और अभी हम लोग इंस्पेक्टर से, क्योंकि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को पहले मेमोरेंडम देना पड़ता है, इसलिए हमने आज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को ये मेमोरेंडम दिए हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब, मुझे फिर भी उम्मीद है उनके ऊपर, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये मेरी वार्निंग है साउथ जोन पुलिस को कि शहर में कोई पुलिस वाला खाकी ड्रेस पहनकर फिरने के लिए परेशान हो जाएगा।